फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स मंत्रा में। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग इट, बट हम हेल्प लेने वाले हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है मेनली वो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसे समझने के लिए देखिए, मैंने एक बिल्डिंग को ड्रॉ किया और उस पर एक बॉय खड़ा है। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट है 150 मीटर्स और ये बच्चा दूर खड़ी कार को देख रहा है और सोच रहा है कि ये कार इस बिल्डिंग से कितनी दूर है। यानी यही हमारे इस वीडियो का प्रॉब्लम है कि हम इस कार की डिस्टेंस इस बिल्डिंग से फाइंड करना चाहते हैं। तो ये बच्चा जिस डायरेक्शन में इस कार को देख रहा है उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके अलोंग लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि हमारे आज की वीडियो का मेन टॉपिक है जिससे हम हेल्प लेना चाहते हैं आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कभी कभी ये डाउट भी होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को कहते हैं, बट दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन में लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ होती है और एंगल ऑफ डिप्रेशन में लाइन ऑफ साइट हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ होती है। यानी कोई ऊपर से अगर नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और अगर कोई नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर किया, यह है 60 डिग्री। अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ की जिसका नाम मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ही रखा। ये डिस्टेंस मैंने क्यों शो की, क्योंकि हम कार और बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसी को प्रेजेंट कर रही है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के नेम रखे AD एंड BC। ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ की गई है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। यानी AD इज पैरेलल टू BC, सो AC इज बिहेविंग हेयर लाइक अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पर AC एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल हम कहते हैं उस लाइन को जो दो लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो सेम यहाँ पर AC जो है AD को और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है डिफरेंट पॉइंट्स पर। देखिए, अब C पर एक एंगल बना और ये किस टाइप का एंगल है, दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या पहचान होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, जो ट्रांसवर्सल की डिफरेंट साइड्स पर और इंटीरियर साइड पर बनता है उसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो एंगल C पर जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल सी जो है वो भी कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अब हम ए और बी को जॉइन कर देते हैं ताकि हमारी फिगर क्लोज्ड हो जाए। ABC इज अ क्लोज्ड फिगर। तो देखिए, मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ, इसकी नेमिंग वापस से करते हैं ABC, जैसे कि लास्ट सिचुएशन में आपने देखी। और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। इट मीन्स जो ट्रेंगल ABC है वो राइट ट्रेंगल हो गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम सिर्फ राइट ट्रेंगल पर ही अप्लाई करते हैं। सो इस AB की जो हाइट है, लेंथ है, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, दिस इज 150 मीटर। एंगल C इज 60 डिग्री। अब हम इस फिगर में फाइंड करना चाहते हैं BC, जो कि कार और बिल्डिंग की डिस्टेंस है। तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री से हेल्प लेने वाले हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है कि जो फाइंड करना है वो हम न्यूमरेटर रखेंगे और जो हमें ऑलरेडी पता है वो हम डिनोमिनेटर को रखेंगे। तो BC इस क्वेश्चन में हम फाइंड करना चाहते हैं, तो BC न्यूमरेटर है एंड AB वी ऑलरेडी नो, हमें पता है AB 150 है, तो हम AB को डिनोमिनेटर में रखेंगे। और BC जो है इस फिगर का बेस है और AB जो है वो इस फिगर में परपेंडिकुलर है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके लिए भी मैंने आपको एक कोटेशन सिखाई है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो P अपॉन B इज 10 थीटा, बट हमें फाइंड करना है B/P, यानी हम रेसिप्रोकल लेंगे P/B का। तो 10 थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। यानी हमारे इस क्वेश्चन में BC/AB, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया है कॉट 60 डिग्री के इक्वल,
और cot 60 डिग्री की वैल्यू हमें टेबल से पता है, वो होती है 1 ओवर रूट 3, और BC जो है डिनोमिनेटर में है, राइट में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150 अपॉन रूट 3 मीटर इज द डिस्टेंस BC, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द बिल्डिंग। तो आज की वीडियो में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, दैट इज द की पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज लाइन ऑफ साइट। क्या होती है लाइन ऑफ साइट? इट इज अ लाइन अलोंग विच ऑब्जर्वर इज लुकिंग डाउनवर्ड और अपवर्ड। ऑब्जर्वर या तो नीचे देखेगा या फिर ऑब्जर्वर ऊपर देखेगा, जिस लाइन के अलोंग वो देखेगा उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। हॉरिजेंटल लाइन, अ लाइन फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जर्वर इज लुकिंग स्ट्रेट, यानी ऑब्जर्वर ना नीचे देखे ना ऊपर देखे, जब वो सीधी डायरेक्शन में देखेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल लाइन। नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट, बट व्हेन ऑब्जर्वर इज लुकिंग डाउनवर्ड, यानी जब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखता है तो हॉरिजेंटल लाइन ऊपर होती है और लाइन ऑफ साइट नीचे हो जाती है, तो उनके बीच का जो एंगल है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रिग्नोमेट्री इज अप्लाइड ओनली इन राइट ट्रायंगल, कि सिर्फ राइट ट्रायंगल के केस में ही हम ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू।